आज हम 2D एंड 3D सीरीज की फर्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले 2D प्लान के अंदर रूम प्लेसिंग, किचन प्लेसिंग, वॉशरूम एंड स्टेयर प्लेसिंग के बारे में बात करेंगे, वो भी विद वास्तु के हिसाब से। फिर हम उसी 2D प्लान का एलिवेशन प्लान 3D में बताएंगे कि वह मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो आइए 2D प्लान के बारे में देखते हैं, जो कि 32x38 की साइज का प्लॉट है अपने पास, वो भी ईस्ट फेसिंग। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये अपने पास ईस्ट फेसिंग का प्लानिंग करी है अपन ने, जिसमें पीछे की साइड अपन ने दो रूम निकाले हैं 15x11 के। काफ़ी अच्छी स्पेसिंग मिल चुकी है अपन को इस रूमों के अंदर। एंड अपने पास हॉल है जो कि 20x16 फीट 3.5 इंच का है, और हॉल के अंदर ही अपन ने स्टेज निकाली है। और इस साइड अपने एक ओपन एरिया दिया है अपन ने, जो कि 3.5 फीट का है। उसके जस्ट बगल में अपन ने एक और रूम दिया जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं, वो अपने पास 10x12 का है। हॉल के अंदर अपन ने एक हैंगिंग टेम्पल भी दिया है जो कि लगभग 3 फीट का है, जो कि तीन और जो कि ग्राउंड लेवल से 6 फीट की हाइट पर लगेगा। और ईस्ट फेसिंग में अपन ने किचन दिया है जिसकी साइज़ है 10.5x8 फीट। और बाहर अपन ने ये एक ओपन एरिया दिया है रूफ कवर्ड, और ये बाहर अपन ने स्टेयर दिए जो कि जिसकी लंबाई 5 फीट है, और लगभग स्टेयर अपन ने 3 या 4 दिए है। ठीक है, आइए अपन इसका 3D प्लान देखते हैं कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले अपन आइसोमेट्रिक देख लेते हैं। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये बनने के बाद अपन को एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा। ये अपने जस्ट फ्रंट एलिवेशन है, ये वही मेन अंदर एंट्रेंस हो गया, ये किचन हो गया, ये अपने ड्राइंग रूम का एंट्रेंस हो गया। जस्ट इसके पीछे अपन एक जो कि इसमें आपको दिखेगा, ये जो कि अपन ने 3.5 फीट का स्पेस दिया था आउटर एरिया के लिए, और इसके लिए ये पास वाला रूम हो गया, और इसके जस्ट बगल में एक और रूम है। टॉप में भी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी डिजाइन दी चुकी है इसमें। थोड़ा नज़दीक से देख सकते हैं अपन, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बताइए हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।